कोर्लश उस्मान तुर्की की वो ड्रामा सीरीज जिसने अर्दुगल गाजी के बाद कामयाबी के कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। कोर्लश उस्मान तुर्की के साथ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अरब इमारात और दीगर खलीजी रियासतों में भी बहुत मकबूल है। सीरीज के सीजन 3 के इख्तिताम पर दुनिया भर के नाजरीन को सीजन 4 का शिद्दत से इंतजार था। सीजन 4 की तैयारियों में कोर्लश उस्मान की टीम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले 3 सीजन की रिकॉर्ड कामयाबी के बाद टीम को चौथे सीजन में कई इनकलाबी तब्दीलियां करनी थी। चौथे सीजन की पहली किस्त के नशर होने के साथ ही सोशल मीडिया पर नाजरीन के सवालात का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। सीजन के आगाज में उस्मान में जहां एक जबरदस्त जंग के बाद अपने दुश्मन शहनशाह को बचाने में कामयाब हो जाता है, तो वहीं उसके नए दुश्मन भी मैदान में आ जाते हैं। ये दुश्मन मंगोलों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं और इन नए दुश्मनों जिनका नाम वाइकिंग्स है, उनके सरबराह के भाई की गर्दन तन से जुदा करके जंग में फतह हासिल करता है। तो वहीं वाइकिंग्स और बाइजेंटाइन इत्तेहाद मुसलमानों के लिए दुश्मनी में तमाम हदों को पार करता दिखाई देगा। उस्मान सीरीज के चौथे सीजन में कई नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। उस्मान के भाई कंदूज बे के बेटे भी सीरीज में मोहब्बत करते नजर आएंगे, तो वहीं उस्मान अपनी दूसरी बीवी मिलन खातून के बेटे ओरहान को रियासत में एक अहम जिम्मेदारी देंगे, जबकि बाला खातून के बेटे को दीनी तालीम हासिल करने की नसीहत करेंगे, जिससे दोनों भाइयों के दरमियान मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। मगर सीरीज में इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि इस नफरत से मुस्लिम रियासत को नुकसान पहुंचेगा या हालात दोनों भाइयों के दरमियान पहले सी मोहब्बत पैदा कर देंगे। जेल कोताई सीरीज का सबसे अहम किरदार और उस्मान बे का मजबूत सहारा क्या इस सीरीज में दूसरी शादी कर पाएगा, क्योंकि सीरीज की पहली किस्त में अलगन नामी खातून को जेल कोताई के मोहब्बत में गिरफ्तार देखा गया है। अर्दुगल गाजी के बेटे उस्मान गाजी को पहली किस्त में ही कस्तुनतुनिया में दिखाया गया है, जिससे लगता है कि सीजन 4 में ही उस्मान इस अजीम शहर को फतह कर लेगा। सीरीज में देखना होगा कि बाला खातून का किरदार कब तक दिखाई देगा, क्योंकि तारीखी वाकयात बताते हैं कि बाला खातून बोरसा की फतह में उस्मान के साथ नहीं थी और उस्मान बे अपने बेटों के साथ इस सीजन में बोरसा को फतह करते भी दिखाई देंगे। तुर्गत बे के किरदार को भी वापसी की उम्मीद है, मगर तुर्गत बे का किरदार कौन सा फनकार अदा करेगा ये देखना होगा। तारीखी वाकयात से भरपूर, दुनिया भर में मकबूल कोर्लश उस्मान का सीजन 4 के हवाले से कहा जा रहा है कि ये सीजन मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। प्राइम न्यूज़ पाकिस्तान।